पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सिमी आप उसे लिविंग रूम में लेकर जाइए और सौंदर्य आप इसे सैम भैया को दे देना, ठीक है? रानी माँ के लिए मैं खुद लेकर जाती हूँ। आपको वो शिवेंद्र जी के लिए ले जाइए, मैं रानी साहिबा के लिए ले जाती हूँ। नहीं, मैंने जानबूझ के शिव के लिए नहीं बनाया, वो तैयार होने गए हैं, जब वो रेडी हो जाए तो उनके लिए फ्रेश चाय बना देना। चले शुभेच्छाओं माँ, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लाई। ये सब आप क्यों कर रही हैं सुरीली? माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मीठी नहीं लाई मैं, लेकर आ गई आपके लिए। हमारा सवाल समझकर अनजान मत बनिए सुरीली, हम कुछ और पूछ रहे हैं। आपके बचपने के सामने हार मान रही हैं हमारी हिदायतें। माँ बनने वाली हैं आप, याद भी है या भूल गई? इस हालत में क्यों इतना काम कर रही हैं आप? आइए बैठिए। माँ बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमारी यहाँ पे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में तो ज्यादा काम करना चाहिए, एक्सरसाइज हो जाता है उससे बेबी और माँ दोनों हेल्दी फिट एंड फाइन रहते। ये लीजिए आपका। आउच, संभाल के दिखाइए हाथ। कुछ नहीं हुआ है माँ, टेंशन मत लीजिए, एक ही बूंद गिराए। सच कहूं कभी कभी मैं खुद बैठ के सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, भगवान ने बचपन में तो एक माँ मुझसे छीन ली, लेकिन भगवान जी ने आपके रूप में उसी माँ को मुझे वापस दे दिया। I'm so grateful, Mom. Thank you. हमारे आने वाले वारिस को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी दादी माँ ने उनकी माँ का ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल भी नहीं। आपका और स्वाति का बच्चा केवल आपका नहीं है, रनक की अमानत है, आने वाला वारिस है। ख्याल रहे, कोई ऊंच नीच ना हो। कुछ नहीं होगा माँ, आप बेफिक्र रहिए। देखा चैन, दादी माँ आपके लिए कितनी फिक्र करती है, हमेशा आपके लिए कंसर्न रहती है। मैं और स्वाति आपके दोनों वारिस का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हम अभी आए जी। मंत्री महोदय, शुभेच्छाओं। इतनी दवाइयाँ काफी होगी ना सबको दिखाने के लिए? रेखा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब प्रेगनेंसी फेक है तो इतनी सारी दवाइयाँ क्यों? ताकि किसी को लगे ना कि प्रेगनेंसी फेक है। रोशनी ने कहा है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। रानी क्या प्लान है? रेखा, हम घर वालों को छोड़कर गैरों पर भरोसा कर रहे? यू श्योर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना? आई मीन प्रेगनेंट तो भाभी भी है, उन्हें तो कभी इतनी सारी दवाइयाँ लाते हुए नहीं देखा। अभी सुरीली पुराण बंद करो, कान पक गए हमारे उसका नाम सुन सुनकर। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ना हमारे पास। समर ने कहा है हम रोशनी पर भरोसा कर सकते हैं, तो हमें करना ही पड़ेगा। और वैसे भी हमें अपना काम निकालने से मतलब है, फिर चाहे सामने अपने हो या पराए, क्या फर्क पड़ता है। पता है चैंप, लाइफ में ना कई बार कई सारे फैसले बहुत मुश्किल लगते हैं, इट्स डिफिकल्ट, पर अगर आपका मन अच्छा है, सच्चा है, तो एंड में ना सब कुछ अच्छा ही होता है।
वारे किस्मत, क्या दाव खेला है। जैसे ही मैंने अपनी अच्छाई छोड़ दी, मेरे साथ सब अच्छा अच्छा होने लगा। अपना भला तो कर लिया तुमने, अब हमारा भी कुछ अच्छा करोगी या फिर हमसे ये दवाइयां तो मंगवा ली, लेकिन अब आगे करना क्या है ये कब बताओगी? धीरे बोलो धीरे। वो कहावत है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। और फिर ये तो रणक का महल है, यहाँ के कान आंख सब रानी माँ के जासूस है। सो हमारे रणक महल के बारे में हमें बता रही हो। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ऑब्वियस। अब इम्पोर्टेंट बात करें, हमारा फ्यूचर डिस्कस करने आए हैं हम। तुम जानती हो किस अहम मोड़ पर खड़े हैं हम, या तो आर है या तो हमारा बेड़ा पार है। बताओ चाहती क्या हो तुम? एक्सीडेंट। माँ की आंखों पर तो अभी भी शिवेंद्र भाई के प्यार की पट्टी बंधी हुई है सम। जिस तरह से वो इस सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं, हमें नहीं लगता कि हमें हमारा हक मिलेगा, या फिर वो शिवेंद्र भाई से ऊंचा दर्जा हमें देंगी। समर, इतने टाइम बाद जाके लेखा और हमारा रिश्ता थोड़ा ठीक होने लगा है, और अब हम लेखा के सामने कैसे जाएंगे? दादा, जंग तो अभी शुरू हुई है, ठीक है बंटवारा नहीं, कुछ और सोचते हैं। माँ से बात करके देखी, भाई से लड़ लिए, क्या वो अब और कर भी क्या सकते हैं? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं कुंवर राघवेंद्र बारोट। एक्सीडेंट मतलब? अरे तुम तो ऐसे डर गए जैसे मैंने कोई बड़ा सा राज खोल दिया हो। छोटा एक्सीडेंट करना है, बड़ा नहीं, ताकि तुम्हारे झूठ को लेकर तुम पर कोई भी उंगली ना उठाए। नहीं, नो वे, हमें ये सब ड्रामा नहीं करना। हम ऑलरेडी इतनी टेंशन में हैं, हम फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। ऐसा है तो फिर रहो इस आलीशान महल में सुरीली की जूती बनकर। अब तो सेकंड क्लास सिटीजन की जिंदगी जीने की आदत भी बन गई होगी ना, और जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में डिमोट हो जाओगी, क्योंकि स्वाति लेखा तुम्हारा ये झूठ उनसे डबल दादी बनने की खुशी जो छीन लेगा। राघव, सीरियसली टेल मी, तुम क्या इस महल के सेकंड क्लास सिटीजन बनना चाहते हो? नहीं ना? वेरी इंसल्टिंग, ट्रस्ट मी, तुम कुंवर राघवेंद्र बारोट हो। और वैसे भी तुम्हारे बड़े भैया शिवेंद्र अभी अपने नए रिश्तों में उलझे हुए हैं अपने बड़े बेटे के साथ, और अभी उसका होने वाला बच्चा आया नहीं है, वक्त हमारे साथ है। कल रात को जो उसने मीठी मीठी बातें की ना तुम्हारे साथ, यूज दैट, उसी को हथियार बना उसी के अगेंस्ट। समर, आप कहना क्या चाहते हैं? रणक के चमकते सूरज में चार चांद डाल सकते हैं आप? बंटवारा नहीं सही, बिजनेस की कमान तो ले सकते हैं आप। इस बड़े महल के फैसले लेने सीखिए। वेट अ सेकंड। जस्ट इमेजिन, इंडिया का पहला 7-स्टार होटल इन रणगढ़ बाय कुंवर राघवेंद्र बारोट। रियली समर, ये पॉसिबल है? हमें क्या करना होगा? विश्वास, ट्रस्ट इन मी। हमें करना क्या होगा? सिंपल है, तुम इस फैमिली को दोगी 100 कॉल मिसकैरेज, और सुरीली एक नन्ना मुन्ना वारिस। What?
हमारी बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट सुनने के लिए तुमने हमें बुलाया? बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट नहीं, आबादी का फोरकास्ट। अब मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा, नहीं? सब सब कहो, कहना क्या चाहती हो तुम? देखो, तुम उन्हें बच्चे की खिलखारी तो दे नहीं सकती। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।